हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम गैस टरबाइन साइकिल जो है, जो कि जूल ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है, उसका एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का डेरिवेशन देखेंगे, किस तरह से एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए फार्मूला जनरेट होता है। देखिए, गैस टरबाइन साइकिल जो ब्रेटन साइकिल पर वर्क करता है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी थ्योरी के बारे में कि इसकी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट मेथड क्या होते हैं, साइकिल कितने टाइप का होता है। ठीक है, आज हम इसके एफिशिएंसी का डेरिवेशन देखेंगे। तो देखिए, गैस टरबाइन जो है यूजुअली ओपन साइकिल पे ऑपरेट किया जाता है, जिसमें एयर जो है एम्बिएंट कंडीशन से कंप्रेसर के थ्रू ड्रॉन की जाती है, फिर इसे हायर प्रेशर पे कम्बशन चैम्बर में भेजा जाता है, जहाँ पर फ्यूल के साथ इसको बर्न फ्यूल का कम्बशन करवाया जाता है। उसके बाद वो जो गैस टरबाइन है उसमें एक्सपेंड करवाई जाती है, पावर जनरेट होती है, जिससे टरबाइन की शाफ्ट घूमती है और इसी शाफ्ट से कपल्ड जो जनरेटर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और टरबाइन की पावर से ही कंप्रेसर को भी रन करवाया जाता है। द हायर टेम्परेचर गैसेज देन एंटर टू द टरबाइन वेयर द एक्सपेंड टू एटमोसफेरिक प्रेशर वाइल प्रोड्यूसिंग पावर आउटपुट। सम ऑफ द आउटपुट पावर इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर। द एग्जॉस्ट गैसेज लीविंग द टरबाइन आर थ्रोन आउट, कॉजिंग द साइकिल टू बी क्लासीफाइड एज ओपन साइकिल। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो ब्रेटन साइकिल है, इसका आपको पीवी डायग्राम और टीएस प्लॉट दोनों पे दिखाया गया है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो देखिए, इसमें पीवी प्लॉट पर 1-2 जो प्रोसेस है, ये कहलाता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहती है इसमें, इस प्रोसेस में। उसके बाद 2-3 जो प्रोसेस है वो है हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई होती है। 3-4 प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड 4-1 है हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो 2 आइसोबेरिक प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और 2 एडियाबेटिक यानी कि 2 आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इसी तरह से टीएस स्केल पर इस तरह से 1-2, 2-3, 3-4, 4-1। अब देखिए, इसमें चारों प्रोसेस दे हैं, ओपन साइकिल और जो क्लोज साइकिल है दोनों को दिखाया गया है दोनों में। अब यहाँ पे देखिए, इसके एफिशिएंसी का डेरिवेशन किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो 1-2 प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, इस दौरान जो कंप्रेसर है उसमें एयर आई और कंप्रेस हो गई हायर प्रेशर P2 पे। ठीक है, तो P2 और P3 प्रेशर दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। देखिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन दौरान, अब इसमें जब हम 1-2 एडियाबेटिक रिलेशन लगाएंगे तो क्या बनता है, वो T2/T1, यहाँ ध्यान दीजिए, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर γ-1/γ। यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट रेशो है गामा, उसे हम यहाँ पे गामा की जगह उसको K से दर्शाया गया है। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा P2/P1 की पावर γ-1/γ, तो गामा जो है वो K है, यहाँ पर K से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइए। तो देखिए, ऐसे ही ये 1-2 प्रोसेस हो गया। 2-3 जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हीट सप्लाई की जा रही है 2-3, यानी कि T2 टेम्परेचर से T3 टेम्परेचर, यहाँ देखिए इधर, यहाँ T2-T3 टेम्परेचर हो जाता है हीट सप्लाई करने के बाद, और ये कांस्टेंट प्रेशर चल रहा है, इधर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इस हीट को देखें तो ये हीट कितनी दी गई, तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, देखिए, क्यू इनपुट H3-H2, या फिर इसको एंथैल्पी को हम क्या लिख सकते हैं, MCP T3-T2। भाई इसको क्या लिख सकते हैं हम, MCP dT आता है, dT मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि T3-T2। देखिए, स्टेप्स में जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्यू इन यानी कि क्यू सप्लाई, हीट सप्लाई है क्यू इन, तो यहाँ H3-H2 है जिसको CP T3-T2 दिखाया गया है, M वहाँ पर नहीं है, तो हम उसको स्पेसिफिक मास वो ले लेते हैं पर केजी के लिए, कि मास फ्लो रेट 1 kg मान लेते हैं हम, या फिर इसको स्पेसिफिक ले लेते हैं, ये जो ये है स्पेसिफिक हीट है, तो यहाँ पर मास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, क्यू सप्लाई इज इक्वल टू H3-H2 CP T3-T2। सिमिलरली 3-4 जो प्रोसेस उसको देखिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो अब जब इसमें हम वापस से एडियाबेटिक रिलेशन लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इसको, ये है T3/T4 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें टेम्प प्रेशर सेम रहता है, जैसे T2/T1 है ऐसे P2/P1, तो इसमें सेम रह स्टेट के लिए रहता है ये P2
थ्री बाई पी फोर, ये मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला था कि आप ये जो एडियाबेटिक रिलेशन इनको याद रखिए, ये हर जगह काम आते हैं, कि पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, ठीक है। तो अब देखिए टी थ्री टी फोर पी थ्री पी फोर, अब यहाँ पे देखिए हायर प्रेशर जो है वो कौन सा है पी थ्री, और लोअर प्रेशर कौन सा है पी फोर, पी थ्री बाई पी फोर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, ठीक है। और ऐसे ही जो पहले आया था टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी आर पी वो लिख सकते हैं, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा इज इक्वल टू आर पी। प्रेशर रेशो भाई, हायर प्रेशर अपॉन लोअर प्रेशर, प्रेशर रेशो हो गया। यहाँ देखिए सीधा सीधा ये हायर प्रेशर है, पी टू और पी थ्री बराबर है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, और पी वन और पी फोर बराबर है, तो हायर प्रेशर मतलब मैक्सिमम प्रेशर डिवाइड बाई मिनिमम प्रेशर, ये प्रेशर रेशो हो गया। तो देखिए वापस से टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी, प्रेशर रेशो हमने इसको बोल दिया। और ऐसे ही यहाँ पर थ्री टू फोर प्रोसेस के लिए ये हो जाएगा टी थ्री बाई टी फोर इज इक्वल टू आर पी, और ये हो जाएगा यहाँ पर टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू आर पी। आर पी की पावर एक्चुअली गामा गामा माइनस वन अपॉन गामा भी है, इसको भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, ये हो गया। अब सिमिलरली फोर टू वन, ये क्या है, क्यू रिजेक्शन या क्यू आउटपुट, ठीक है। तो ये एच फोर माइनस एच वन, और एंथैल्पी को टेम्परेचर की फॉर्म में लिखेंगे तो एम सी पी डी टी, वही एम इसको यूनिट मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सी पी टी फोर माइनस टी वन, दिखाया गया है यहाँ पे सीधा सीधा। तो देखिए अब जब हम इसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो सीधा सीधा नीट अप फिटेन जब हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट नीटा आउटपुट अपॉन इनपुट। तो देखिए आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा यहाँ पर, आउटपुट होगा यहाँ पर हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। क्योंकि देखिए जितना हीट का ये अंतर है, मतलब हमने साइकिल के दौरान क्यू इन हीट दी और क्यू आउट हीट इससे बाहर निकली, तो अल्टीमेटली जो हीट अपनी जो सेटअप है ये साइकिल है इसने इस्तेमाल करी उतना ही तो वर्क डन देगा ये आइडियली, हालांकि उतना नहीं देता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम क्या मानते हैं, जितनी हीट इस साइकिल में जा रही है भाई, जितनी हमने इसको दी और जितनी इससे बाहर निकली, जो डिफरेंस जो रह गया अवेलेबिलिटी, इस साइकिल के लिए जो अवेलेबल हीट वो क्या है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, ये है इसके पास अवेलेबल हीट, डिवाइड बाय इनपुट क्या है अपना हीट सप्लाई हम इसको दे रहे हैं। तो डब्लू नेट जो है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डब्लू नेट डिवाइड बाय क्यू इन, तो डब्लू नेटवर्क क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। और इसको हम अगर दोबारा से लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा Q इन, वापस से देखिए ये क्या बन जाएगा Q इन माइनस Q आउट डिवाइड बाय Q इन। तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो Q इन से Q इन ये कैंसिल, तो क्या बचेगा वन माइनस Q आउट डिवाइड बाय Q इन, वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, वन माइनस Q आउट डिवाइड बाय Q इन। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, क्यू आउट की वैल्यू पुट करेंगे सी पी टी फोर टी माइनस सी पी इंटू टी फोर माइनस टी वन, और क्यू इन की सी पी टी थ्री माइनस टी टू। अब देखिए यहाँ से क्या किया हमने, टी वन कॉमन ले लिया, इसमें से सी पी कैंसिल हो गया। अब देखिए टी फोर डिवाइड बाई टी वन आ गया एक स्टेप, और नीचे आ गया टी थ्री बाई टी टू, और टी वन यहाँ से कॉमन ले लिया, टी टू यहाँ से कॉमन ले लिया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, पिछली वाली स्टेप में जाइए आप, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हमने बात करी थी वो क्या आया था, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा इज इक्वल टू टी थ्री बाय टी फोर, यही आया था। तो अब देखिए यहाँ चूंकि ये दोनों, ये टी टू बाई टी वन भी आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा के बराबर है और टी थ्री बाई टी फोर भी, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू टी थ्री बाई टी फोर। तो यहाँ से फिर हम वापस से क्या लिख देंगे, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू टी थ्री बाई टी फोर।
अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि टी फोर को यहाँ यहाँ पे लेके जाएं और टी वन को, ये टी टू बाई टी वन, तो टी फोर को टी वन के ऊपर ले जाएं और टी टू को टी थ्री के नीचे ले आएं। तो यहाँ से क्या बनेगी हमारे पास स्टेप, टी फोर डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू टी थ्री डिवाइड बाय टी टू। ये बराबर यहाँ से अपने पास स्टेप क्या आ गई है, टी फोर डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू टी थ्री डिवाइड बाई टी टू। देखिए अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है इसमें टी फोर माइनस टी वन माइनस वन डिवाइड बाय टी टी थ्री माइनस टी टू माइनस का वन, तो ये दोनों बराबर होने से ये जो ये स्टेप है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। देखिए ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू और ये ब्रैकेट की वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो गई, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए। तो नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा, लास्टली वन माइनस टी वन अपॉन टी टू, ठीक है ये बचेगा। और पहला पहला जो रिलेशन आया था वन से टू प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, वो क्या आया था, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन। देखिए ये आया था पी टू बाय पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, और पी टू बाई पी वन हमको क्या लिख दिया था हमने, आर पी प्रेशर रेशो की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, यहाँ गामा की जगह के है, ठीक है कन्फ्यूज मत होना। तो अब अपने पास क्या बच गया, वन माइनस टी वन अपॉन टी टू, और हमारे पास है टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, तो इसका रिवर्स हो जाएगा टी वन अपॉन टी टू की वैल्यू। तो यहाँ से नीटा देखिए क्या आ जाएगा, नीटा वन माइनस वन माइनस वन अपॉन आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, यही हमारा फाइनल यहाँ लिखा हुआ है, नीटा ब्रेटेन इज इक्वल टू वन माइनस आर पी की पावर। अब देखिए आप ये कहोगे कि सर ये तो वन अपॉन में लिखा हुआ है, हाँ तो एक की पावर कुछ भी हो एक ही आता है, तो इसको आप वैसे भी वो लिख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वन माइनस वन अपॉन आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, यहाँ गामा की जगह के है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी का डेरिवेशन है, फिनिश होता है यहाँ पे। देखिए ये एक थोड़ा सा आपको दिखाया गया है कि प्रेशर रेशो के साथ साथ एफिशिएंसी का जो वेरिएशन है वो किस प्रकार से होता है, ये कर्व है देखिए, जो कर्व दिखाया गया है टिपिकल प्रेशर रेशो फॉर गैस टरबाइन इंजन्स। इसके बाद एक लास्ट स्लाइड और है, यहाँ देखिए इसमें एक ऑप्टिमम प्रेशर रेशो की बात की गई है कि प्रेशर रेशो हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना होता है, देखिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सेम है, ये मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर टी वन टी टू जिनकी हम बात कर रहे थे, टी वन मिनिमम था और वो सॉरी टी थ्री मैक्सिमम टेम्परेचर टी वन मिनिमम, तो देखिए ये प्रेशर टेम्परेचर रेंज सेम रखी गई है। अब एक प्रेशर रेशो अपने पास 15, जिसके लिए हमें वर्क आउटपुट कितना प्राप्त हुआ, इतना सा टी एस प्लॉट पर ये जो एरिया होता है एरिया ऑफ कर्व, ये वर्क डन को शो करता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमने बहुत कम प्रेशर रेशो रखा तब भी हमें क्या मिल रहा है, कम वर्क डन मिल रहा है, मैक्सिमम वर्क डन हमें जब ही मिलेगा जब हम प्रेशर रेशो ऑप्टिमम रखेंगे।